संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा का कुलदीप बना बागी, धर्म के मोह के चलते संकट में फंसी पार्टी, मामले में त्रिकोणीय मुकाबला तय। टिकट वितरण के साथ ही मेवाड़ में उभरे विरोध के स्वर, खेरवाड़ा, सागवाड़ा और बड़ी सादड़ी से भी हो सकती है भाजपा में बगावत। पिछली बार हाईकमान द्वारा रथ से उतारे गए कटारिया ने फिर थामी मेवाड़ में भाजपा के रथ की कमान, 28 सीटों पर उम्मीदवारों का करेंगे प्रचार। और भरे गले से दलपत सुराणा ने शुरू किया प्रचार प्रसार, कटारिया को बताया गौण, गिरजा से सीधी टक्कर की कही बात। और अब खबर विस्तार से, सबसे पहले बात करते हैं मावली भाजपा के कुलदीपक के बागी होने की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की पहली सूची जारी होने के साथ ही बगावत के सुर भी उठने लग गए हैं। उदयपुर जिले के मावली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का टिकट वरिष्ठ नेता धर्म नारायण जोशी को मिलने के बाद वहां के युवा चेहरे कुलदीप सिंह चुंडावत ने बगावत करते हुए ताल ठोक दी है। मावली डबोक रोड पर स्थित धूनी माता मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि धर्मनारायण जोशी उदयपुर शहर में रहते हैं और 2008 में मावली से चुनाव हार भी चुके हैं। इस बार मौजूदा विधायक दलीचंद डांगी का टिकट कटा है और जोशी को फिर मौका दिया गया है, लेकिन पिछले 2 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कुलदीप सिंह ने टिकट नहीं मिलने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। डबोक के धूनी माता मंदिर परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कुलदीप सिंह ने बगावती ताल ठोक दी है और आखिरकार कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि 7 दिसंबर तक एक भी कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा और हर पल जनता के बीच रहेगा, तभी हमारी ताकत पता चलेगी। हाईकमान से भी दबाव आ जाए तो आपका कुलदीप सिंह पीछे नहीं हटेगा। साक्षी मान के मैं कहता हूँ कि कुलदीप सिंह चाहे कोई भी आला कमान आ जाए या कोई सा भी प्रेशर आ जाए, कुलदीप सिंह का पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपका आदेश है, कार्यकर्ताओं का जो आदेश है वो जिम्मेदारी है। क्योंकि सभी के मन में जरूर एक प्रश्न होता होगा कि विद्यार्थी परिषद के जमाने से लेकर आज तक लगभग 18 वर्षों से जिस संगठन में काम कर रहे हैं उसको इतना आसानी से भी नहीं छोड़ा जा सकता। निश्चित तौर पर मन भारी है, लेकिन मित्रों, हम जिस पार्टी और संगठन जिस भाजपा की बात करते हैं वो भाजपा तो असली भाजपा तो यही है, यही विराजमान है, आप ही है मूल बुद्धि। इसलिए कोई मनमारी करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप से यही कह रहा था। किसी भी आलाकमान का कोई भी प्रेशर आए, यदि आपने तय कर लिया अभी तो निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे चुनाव। आप कुलदीप सिंह नहीं, मावली की जनता, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। फतेहनगर सरवाल और 2,35,000 मतदाताओं को छूने की कोशिश और हमारे तरफ से सर्वस्व, जहां तक कर सकते हैं जितनी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत की पराकाष्ठा हम लोग करेंगे, ऐसा संकल्प यदि हम यहां से लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके फैसले को कोई टाल नहीं सकता। मैं इंग्लैंड के स्थान पर मैं आपको कह रहा हूं, आप सभी जो ये मन भावना पर आ चुके उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मन के अंदर संकल्प लेके एक बार खड़े हो जाए इस स्थान पर, अपने दोनों हाथ खड़े करके मां इंगलाज को स्मरण करते हुए संकल्प ले कि आने वाले 25 दिन कोई सी घंटे एक एक क्षण मावली विधानसभा क्षेत्र के 266 बूथ, मावली विधानसभा के 266 यहां के 2,35,000 मतदाता और 62 पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र फतेहनगर सलवार डूंगरपुर के सागवाड़ा विधानसभा से भी पूर्व विधायक अनीता कटारा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भारी विरोध देखा जा रहा है। यहां से मौजूदा विधायक अनीता कटारा का टिकट कटने से विधायक गुट के कार्यकर्ता खासे नाराज लग रहे हैं और अनीता कटारा के कार्यालय में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य करवाने वाले लोकप्रिय चेहरा होने के बावजूद पार्टी नेतृत्व ने किस आधार पर टिकट काटा है।
आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिता कटारा को टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि इस बारे में विधायक अनिता कटारा ने कहा है कि 14 को एक आम सभा होगी जिसमें फैसला किया जाएगा कि निर्दलीय चुनाव लड़े या नहीं। मेरे कार्यकर्ता हैं, वो मेरे लिए खुशी है और समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि 14 तारीख के दिन एक बहुत बड़ी आम सभा के रूप में समस्त कार्यकर्ता और जनता को एकत्रित करने का कार्यक्रम रखा है और उस दिन मेरे समस्त कार्यकर्ता मुझे जो भी निर्णय देंगे मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने के साथ ही खेरवाड़ा से वर्तमान विधायक नानालाल अहारी को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थकों ने सोमवार को उदयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सभी आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गृह सेवक से वार्ता कर इस नाराजगी को आलाकमान तक पहुंचाने की बात कही। हालांकि वर्तमान विधायक नानालाल अहारी खुद तो इस विरोध में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से उनके समर्थक और क्षेत्र के लोग विरोध करने के लिए पहुंचे थे उससे यह साफ हो गया है कि कहीं न कहीं इस विरोध में विधायक की भी मौन स्वीकृति है। इस विरोध के चलते नानालाल अहारी के समर्थक करीब एक घंटे तक पार्टी कार्यालय के बाहर जमे रहे और विधायक नानालाल अहारी के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली सूची जारी करने के साथ ही उदयपुर जिले से खेरवाड़ा और मावली विधानसभा के वर्तमान विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसमें नानालाल अहारी और दली चंद डांगी शामिल है। इस समय नानालाल अहारी का टिकट कटने के बाद खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और यही वजह है कि सभी समर्थकों ने पार्टी कार्यालय पर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रकट किया। मैं प्रमोद अग्रवाल, खेरवाड़ा मंडल महामंत्री। यहाँ पे कोई नानालाल जी का रिश्तेदार नहीं है, हमारे साथ यहाँ पे दो प्रधान है, 22 सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, बाकी सारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं ना तो हमारे कार्यकर्ता भी नहीं, जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिनके हमारी मांगे कि नानालाल जी को टिकट दिया जाए और हमको ये बताया जाए कि नानालाल जी का टिकट किस वजह से कटा, किस कारण से कटा। जिस आदमी ने धरातल से काम किया, जिस हमारे खेरवाड़ा विधानसभा में जहाँ बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, वहां से उस आदमी ने आज बीजेपी का नाम जमाया। उसने दो बार हमारे जो मंत्री रहे हुए दयाराम परमार कांग्रेस कैबिनेट में मंत्री रहे हुए, उस कैबिनेट मंत्री को हराया है। उस आदमी का टिकट किस बेस पे कटा, हमको इससे संतुष्ट किया जाए, नानालाल अहारी को वापस टिकट दिया जाए, अन्यथा ये सीट बीजेपी को हम सब ऐलान करते हैं कि हार का मुंह देखना पड़ेगा। और हमारे सारे कार्यकर्ता इस्तीफे के देने के ऊपर उतारू है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि खेरवाड़ा विधानसभा में नया रणधीर सिंह मिंडर खड़ा हो जाए। मेरा नाम है श्याम सुंदर मीणा, मैं एबीवीपी से 4 बार तहसील संयोजक रह चुका हूँ और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कर्मठ हूँ। आज से नहीं, मैं 10 साल हो गए, मैं जब कॉलेज लाइफ से था तब से। मेरी एक ही डिमांड है कि वसुंधरा जी ने टिकट काटा, गुलाब जी ने काटा, किसी ने भी काटा, लेकिन नानालाल जी आहारी साहब जब यानी हर बच्चे से जुड़े हुए हैं, क्या आप समझे, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जाके पूछोगे आप कि नानालाल अहारी कौन है, हर कार्यकर्ता बताएगा कि यहाँ का हमारा एमएलए है, उस बंदे ने क्या किया क्या नहीं किया वो सारी चीजें बताएगा। आगे की रणनीति ये है कि अगर पार्टी पदाधिकारी एक बार ये दोबारा सोचे कि जब कैबिनेट मिनिस्टर को 2 बार हराया और जब हर बंदे, आप खुद मीडिया वाले हो, आप खुद एक बार जाओ अपने क्षेत्र में, ये कहते हैं सर्वे करते हैं, आप खुद सर्वे करते हैं, नानालाल अहारी का कितने लोग नाम लेते हैं और शंकर खराड़ी का कितने नाम लेते हैं, कोई कौन कितने जानता है, क्या पहचान है, क्या वजूद है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया की ओर से उदयपुर संभाग में पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रचार रथ को तैयार करवाया गया है। इस रथ में सवार होकर कटारिया सोमवार को उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से रवाना हुए। कटारिया विधानसभा चुनाव से पहले पूरे संभाग भर में इस रथ के माध्यम से पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उनके पक्ष में भी प्रचार करेंगे।
इस रथ को रवाना करने से पहले पार्टी कार्यालय के बाहर जोरदार आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी के बाद कटारिया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत बनाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। आपको बता दें कि कुछ साल पहले जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब भी इसी तरह से पूरे उदयपुर संभाग में पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया की ओर से एक रथ तैयार करवाया गया था, लेकिन उस दौरान पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के चलते कई नेताओं ने दिल्ली में जाकर कटारिया के रथ का विरोध किया और बाद में आलाकमान ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कटारिया को रथ निकालने से मना कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर कटारिया ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार रथ बनाया है। इसके माध्यम से कटारिया शहर विधानसभा के साथ साथ उदयपुर संभाग की सभी 28 सीटों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और पार्टी को जिताने का आम लोगों से आह्वान करेंगे। जिन्होंने देश को खोखला किया, जिन्होंने देश को आतंकवाद के अंदर झोंका, जिन्होंने देशद्रोही नारे लगाए, उनके जलूस और जलसे में गए, उस यूनिवर्सिटी में गए जहां अफजल के टुकड़े हुए हजार, देश के टुकड़े होंगे हजार। जिस प्रकार का नारा उन्होंने दिया और जिस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने लिया, देखो ये रथ जो है ना भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ के रूप में व्यवहार में अपना काम करेगा। मैं सोचता हूं कि सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं और काम किया है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कुशासन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, कई मंत्री जेल जा चुके हैं, कुछ जमानत पे हैं, कुछ छूट के आए हैं, कुछ छूटने की तलाश में हैं, उन सब लोगों का भी उजागर करेंगे। एक और हमारी पार्टी के इतने नेता रहे हैं, आज दिन तक एक भी नेता किसी भ्रष्टाचार में चार्जेज नहीं हुआ है। तो हम उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जंग करने के लिए, उस गरीब के लिए इस यात्रा को लेकर निकले हैं जिसको वास्तव में इस सरकार के आने के बाद करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपया उसके खाते में सीधा गया है। बीच में जो कट लगाने वाले लोग थे बेईमान, उनको बाहर निकाला है। विकास का दो ठेठ गांव तक पहुंचाने का काम हुआ है। एक हर घर को लट्टू जल रहा है, हर घर एक पक्के मकान में जाकर के रह रहा है, हर घर को शौचालय है, हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया है, हर गांव में 12वीं तक का स्कूल खोला है, हर तरह से इस राजस्थान को विकसित करने का प्रयास किया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि गुलाबचंद कटारिया केवल अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, गुलाबचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में 18 में सरकार बनाने का चुनाव लड़ रहा है। और मेरा विश्वास है कि मेवाड़ जीतेंगे तो राजस्थान जीतेंगे। कहाँ कहाँ जाएगा विश्वास? जहाँ जहाँ तक भी कार्यक्रम बनेंगे, जैसे जैसे कार्यक्रम बनाएंगे सब जगह जाएगा। आज तो कैलाशपुरी के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे, फिर कार्यक्रम जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिस रूट का बनेगा कार्यक्रम बनाएंगे। हम सब लोग अपने अपने फार्म भरेंगे, जो लोग फार्म भरेंगे उनको फार्म भराने के लिए जाएंगे। फार्म भरने के बाद हमारा ये अभियान हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। जो मैनिफेस्टो तो डिक्लेयर करेंगे, अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। नहीं, संभावित तो क्या है, डिक्लेयर ही होगा, वो तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो होना ही है। मेवाड़ भाजपा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही गुटबाजी अब वर्चस्व की लड़ाई के रूप में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और वल्लभ नगर के निर्दलीय विधायक और जनता सेना प्रमुख रणधीर सिंह भिंडर की राजनीतिक लड़ाई जग जाहिर है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के मार्फत दोनों ही धुर विरोधी शह और मात का खेल खेलकर इस चुनाव को जीतने का गणित बिठा रहे हैं। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज और भिंडर के पूर्व राजघराने के सदस्य रणधीर सिंह भिंडर अब वल्लभ नगर विधानसभा से बाहर आ गए हैं। अपने साथ वर्ष 2013 में हुए अपमान का बदला लेने के लिए भिंडर ने मेवाड़ के कई विधानसभा चुनाव पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हुंकार भर दी है। इसी कड़ी में भिंडर ने रविवार को उदयपुर शहर से जनता सेना प्रत्याशी दलपत सुराणा के कार्यालय का उद्घाटन कर गुलाबचंद कटारिया को विधानसभा चुनाव में शिकस्त देने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भिंडर के धुर विरोधी गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने इनका टिकट बीजेपी से कटा दिया था। इसके बाद रणधीर सिंह भिंडर ने अपने साथ हुए राजनीतिक अपमान का बदला लेते हुए निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी लहर में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। यही नहीं, इस दौरान रणधीर सिंह का वल्लभ नगर की स्वाभिमानी जनता ने भी खूब साथ दिया था। अब रणधीर सिंह भिंडर ने मेवाड़ की 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपने विरोधियों को सबक सिखाने की ठान ली है। रणनीति तो यह है कि जो प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं उनको जिताने हैं और उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं हम लोग। आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है
और जल्दी इनके मुहूर्त निकलवा लेंगे, उस दिन फॉर्म भरने आएंगे और उसके बाद में ये तो वैसे से पुराने कार्यकर्ता शुरू से लगे हुए हैं इसमें प्रचार में, और घर घर संपर्क तो इन्होंने चालू कर ही दिया है, और विस्तार से और ज्यादा प्रचार प्रसार सब अब इनके फॉर्म भरने के बाद में चालू हो जाएगा। पार्टी का मकसद तो गुलाबचंद कटारे को हराना है या उदयपुर में जीत हासिल करना है? देखिए, ऐसा है कि हमारा मकसद तो मेवाड़ में हमारी पार्टी को स्थापित करना है, और उसमें कोई भी सामने आए, अब हम लड़ाई के लिए निकले हैं तो सामने तोप आ रही है, बंदूक आ रही है, क्या आ रही है, उसकी तैयारी है हमारी, और उस तरह से लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर स्थानीय नेताओं से जनता परेशान हो चुकी है, और कांग्रेस तो वैसे खत्म है, कांग्रेस का कोई वर्चस्व न उदयपुर संभाग में कहीं पर भी नहीं है। हमारा ये मानना है कि हम लोग एक विकल्प दे रहे हैं जिससे कि जो लोग स्थानीय भाजपा नेताओं से नाराज है उनके वोट कांग्रेस में नहीं जाकर के और हमारे क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को जाएंगे, और निश्चित तौर से एक तीसरा मोर्चा हम लोग खड़ा करने का प्रयास किया। फायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? हमको फायदा मिलेगा, किसको फायदा देना हमको, और किसी को तो फायदा नहीं होगा, ज्यादा तो है नहीं होंगे तो देखा जाएगा। अभी हमारी सीटें आएगी तब आप मानोगे कि किधर नाराजगी क्या है और कौन जीतने वाला है क्या नहीं जीतने वाला, आगे पता चलेगा। कौन सी सीटों पे तैयारी है? 12 सीटें हम लड़ रहे हैं, अभी और भी लोगों से जगह से आ रही है, लेकिन हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक दो दिन में। राजस्थान गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री आई थी आपके पास, आपके साथ सभा की, उदयपुर में आपके प्रत्याशी के लिए आ सकती है मैडम? देखिए, ऐसा है कि उनकी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों अलग अलग है, और मेरे पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से वो आए तो वो आए अपने प्रचार के लिए, उसमें क्या कोई उनको रोके। अगर भाजपा का कैंडिडेट चल रहा है तो कैंडिडेट अपना रहेगा या फिर आप भी? हम लोग कैंडिडेट देख करके हमारे कैंडिडेट तय नहीं कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट जो बन गया है वो बन गया है, चाहे कोई भी कैंडिडेट आए। मैंने पहले ही कहा आपको कि तोप भी आए तो उसके लिए हमको तैयार होना, युद्ध में हम उतर चुके हैं। नगर में लगातार संशय बना हुआ है आप लड़ेंगे या नहीं? नहीं, हमने तो तारीख तय कर ली, 15 तारीख को मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, आप सबको भी निमंत्रण है, वहाँ पे पधारे सभी। मैं उदयपुर जनता के सब जो परेशानी आज भुगत रही है, सारा उदयपुर जैसे कहते हैं ना लोग, खुदा का है सारा उदयपुर, खुदा है वेनिस का है कि आयड़ की नदी है, और क्या है कि सारी स्थितियां जो कैटल की है, काउ की है, ये सारी परेशानी है। तो मेन प्रॉब्लम उदयपुर की है पार्किंग, बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की, हरियाली की है, सफाई की है। मैं पहले क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 55 साल की राजनीति के इतिहास में मैंने कितने चुनाव करा दिए होंगे, मैं किन बड़े नेताओं का सारथी रहा हूँ, मैंने कितना मन मार के मेरी पार्टी को छोड़ा और जनता सेना का मैं प्रत्याशी हूँ। मुझे आप पे विश्वास है, बच्चा बच्चा मेरे को पसंद करता है उदयपुर का, हर दुख सुख में काम आया। फिल्म क्लब में जब चुनाव जीता था तो भारी मतों से वो भी चुनाव जीता था। फिर प्लांटेशन का काम है, रानी रोड पे मेरा प्लांटेशन देखिए आप, स्कल्पचर देखिए, में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। 164 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर रही जो मोदी की लहर में, जबकि मुझे आज कहना पड़ रहा है कि राजनाथ सिंह जी और मोदी और सबको मैंने अपना आवेदन दे दिया था, परंतु वहां राजस्थान की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती है। उदयपुर में जो कुछ भी आप भाई साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, भाई साहब ने अपना जीवन दिया है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु कार्यकर्ताओं को कुचल कुचल के, एक एक कार्यकर्ताओं का कुचल कुचल के उन्होंने जो पाप किया है अकल्पनीय है, अकल्पनीय अकल्पनीय है। नहीं नहीं, चुनाव जीतूंगा, मेरी तो लड़ाई गिरिजा जी से, गुलाब जी तो कहीं है ही नहीं। रणधीर सिंह भिंडर वल्लभ नगर से फिर एक बार अपनी किस्मत को आजमाएंगे, लेकिन अपने जोर विरोधी प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को धूल चटाने के लिए भी उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधते हुए जनसंघ के जमाने के नेता दलपत सुराणा को जनता सेना से उदयपुर शहर का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। भिंडर ने उदयपुर में कटारिया की खिलाफत कर रहे भैरव सिंह शेखावत मंच के नेताओं को अपनी ओर मिलाते हुए जैन समाज के दलपत सुराणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दलपत सुराणा ने उदयपुर शहर के सुखाड़िया सर्कल इलाके में स्थित एक होटल में अपना कार्यालय खोलकर अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। दलपत सुराणा ने कहा कि उनका मकसद गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया को हराना कतई नहीं है, उन्हें तो सिर्फ उदयपुर शहर विधानसभा से जीत हासिल करनी है। यही नहीं, सुराणा ने साफ किया कि टक्कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होने वाली उम्मीदवार गिरिजा व्यास से है। सुराणा ने कहा कि वह उदयपुर शहर के सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का उन्हें काफी सकारात्मक तवज्जो मिल रही है। उदयपुर जनता के सब जो परेशानी आज भुगत रही है, सारा उदयपुर जैसे कहते हैं ना लोग, खुदा का है सारा उदयपुर, खुदा है वेनिस का है कि आयड़ की नदी है, और क्या है कि सारी स्थितियां जो कैटल की है, काउ की है, ये सारी परेशानी है। परंतु मेन प्रॉब्लम उदयपुर की है पार्किंग,
बहुत बड़ी समस्या पार्किंग की, हरियाली की है, सफाई की है। मैं पहले क्या हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं 55 साल की राजनीति के इतिहास में मैंने कितने चुनाव करा दिए होंगे, मैं किन बड़े नेताओं का सारथी रहा हूँ, मैंने कितना मन मार के मेरी पार्टी को छोड़ा और जनता सेना का मैं प्रत्याशी हूँ। मुझे आप तो विश्वास है, बच्चा बच्चा मेरे को पसंद करता है उदयपुर का, हर दुख सुख में काम आया हूँ। फिल्म क्लब में जब चुनाव जीता था तो भारी मतों से वो भी चुनाव जीता था। फिर प्लांटेशन का काम है, रानी रोड में मेरा प्लांटेशन देखिए आप, स्कल्पचर देखिए, में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। 164 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करी जो मोदी की लहर में, जबकि मुझे कहना पड़ रहा है कि राजनाथ सिंह जी और मोदी और सबको मैंने अपना आवेदन दे दिया था, परंतु वहां राजस्थान की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती है। उदयपुर में जो कुछ भी आप भाई साहब के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, भाई साहब ने अपना जीवन दिया है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु कार्यकर्ताओं को कुचल कुचल के, एक एक कार्यकर्ताओं का कुचल कुचल के उन्होंने जो पाप किया है अकल्पनीय है, अकल्पनीय अकल्पनीय है। नहीं नहीं चुनाव जीतूंगा, मेरी तो लड़ाई गिरिजा जी से, गुलाब जी तो कहीं है ही नहीं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए विप्रो फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत विप्रो फाउंडेशन के पदाधिकारी आज उदयपुर पहुंचे और कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विप्रो फाउंडेशन की ओर से विधानसभा में अधिक से अधिक मतदान के लिए पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से यह अपील की जाएगी कि वह अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि के पक्ष में मतदान करें, ताकि लोकतंत्र में जो आमजन की सबसे बड़ी ताकत है उसका उपयोग हो सके। विप्रो फाउंडेशन के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक अगर मतदान होता है तो अच्छे व्यक्ति सत्ता में आएंगे और विकास के काम अधिक से अधिक होंगे। विप्रो फाउंडेशन द्वारा फरवरी माह में जयपुर से संस्कारोदय अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसे प्रदेश के विशिष्ट संतों ने उपस्थित होकर उसका शुभारंभ किया था। तब से यह अभियान निरंतर चल रहा है और अभी एक चैतन्य रथ यात्रा पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रही है और उस यात्रा के माध्यम से हम संस्कारोदय और मतदान के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। गाय गीता और गायत्री युक्त भारतीय जीवन शैली को लोग अपनाएं, जिससे कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सके। इस उद्देश्य के साथ यह संस्कारोदय कार्यक्रम और मतदान का महापर्व जो सामने है, उसमें प्रदेश के सभी समाज के लोग, सभी नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने विवेक के साथ स्वयं अपना मत डालें। इस जागरूकता के लिए ये अभियान चल रहा है, जो राजस्थान से 3 रथ ऐसे निकले हैं, जयपुर, श्री गंगानगर और आज राजसमंद से शुभारंभ होगा और 27 जिले कवर किए जाएंगे। दूसरा कार्यक्रम आज शाम यहां पर विप्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हो रही है मेवाड़ अंचल की, जो एक बहुत ही परिवर्तनकारी निर्णय सिद्ध होने वाला है आने वाले समय में, जिसके माध्यम से युवाओं को रोजगार, उनको उद्यमशीलता का बढ़ावा देना और जो स्थापित उद्यमी हैं उनमें आपस में तालमेल बढ़ाया जाए, इस बारे में काम किया जाएगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हां वोट सबने देणो है, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हां वोट सबने देणो है। सितंबर ने कुछ पे जानो है जी, वोट डालना है जी पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी पर्ची देखनी है जी, वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। Thank you.
लोकतंत्र मजबूत करनो है, अहां लोकतंत्र मजबूत करनो है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सब ने देनो है, अहां वोट सब ने देनो है, पाया वोट सब ने देनो है, कुका वोट सब ने देनो है, रे बापू वोट सब ने देनो है, ओ बेना वोट सब ने देनो है, बाता वोट सब ने देनो है। Enjoy delicious food and exotic mocktails, a new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-star एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। फॉर रिजर्वेशन एंड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टेक्ट सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार, फर्स्ट फ्लोर 7A बापू बाजार नियर कल्याण ज्वेलर्स, दिल्ली गेट उदयपुर। कॉल 9461783215। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट, GB4 अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी शादी शादी, दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हाँ, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, DJ साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू, तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 feet शोभागपुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा बैंड्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा बेदला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोफ्रेम बिरला वॉल केयर पुट्टी होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा बेदला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत,
संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंट्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065 9829632125 8003498443। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और विकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरण मंगरी मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्टेट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर।
का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है, वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा, आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा स्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8889066938। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आने के बाद उदयपुर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया का सोमवार को एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद कटारिया अपने समर्थकों के साथ बोहरा गणेश जी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। बोहरा गणेश जी मंदिर पहुंचने के बाद कटारिया ने पार्टी के आला नेताओं के साथ दर्शन किए और जीत की कामना की। इसके बाद और सभी नेता पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर सोमवार को कुराबड़ पंचायत समिति क्षेत्र में पहुंचे और बेमला के एक निजी स्कूल में विधानसभा चुनाव को लेकर एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान वल्लभनगर विधानसभा के 16 पंचायतों की समीक्षा की। वहीं उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में रणधीर सिंह भिंडर ने कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक तैयार करने के लिए 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। जनता सेना मेवाड़ की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने मेरी पत्नी को टिकट देने की पेशकश की, लेकिन का फैसला सर्वोपरि है, हमने भाजपा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं नहीं, मेरे पत्नी को टिकट का ऑफर किया, पर हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते कि हम बीजेपी से लड़े, इसलिए हम लोगों ने वो टिकट स्वीकार नहीं किया और हम जनता सेना से लड़ रहे हैं। जनता सेना बीजेपी से वल्लभनगर विधानसभा में जनता सेना का प्रत्याशी आप स्वयं जी, इसके अलावा उदयपुर, मेवाड़, चित्तौड़, हम 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। मेवाड़ संभाग की 12 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और सभी जगह अच्छे कार्यकर्ता को हम टिकट दे रहे हैं जो कि उन क्षेत्रों में अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। हम सभी जगह जीत, तो वो पुरानी बातें हो गई। अब तो मैं 15 तारीख को फॉर्म भर रहा हूँ, उसके लिए तैयारियां चल रही है। हमने परमिशन ले ली है, रैली की परमिशन ले ली, हमने चुनाव सभा की परमिशन ले ली, हमने फॉर्म भरने की तैयारी कर ली। अब ये कयास तो पुराने हो गए सर, ये जरूरत पड़ी तो हो सकते हैं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकते। जरूरत पड़ी कार्यकर्ता कहेंगे कि वहां से उदयपुर से चुनाव लड़ना तो लड़ लेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उन सबको रोडों से जोड़ दिया गया, पुरानी रोडें जो बड़ी है उन सबको रिकार्पेटिंग के लिए मैंने पैसे स्वीकृत करा दिए। शहर में डाला छठ के आयोजन रविवार से शुरू हो गए हैं। इसके तहत प्रथम दिन नहाए खाए पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही 4 दिवसीय सूर्य देव की आराधना भी शुरू हो गई। 4 दिवसीय छठ पूजा का पर्व को लेकर रविवार को नहाया खाया पर्व मनाया गया। व्रतधारियों ने नहाने के बाद खाने में चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल भात खाया। इस पर्व के दूसरे दिन सोमवार को खरना प्रोग्राम मनाया गया। इसमें सुबह से शाम तक व्रत रखकर सूर्यास्त होने के बाद मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गेहूं की रोटी, कच्चे चावल एवं गुड़ से खीर बनाई। साथ ही छठ माता की पूजा कर केले के पत्ते पर प्रसाद ग्रहण किया गया। रविवार शाम को 4 बजे से दिवाली छोर फतेह सागर पर व्रतधारियों द्वारा सूर्यास्त को अर्घ दिया गया। करीब से करीब हमारे परिवार के और यहाँ पे जो रहने वाले छठ पूजा जो करने वाले 15 से 20 हजार सदस्य जो है अपना छठ पूजा करते हैं और यही अपना उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। तो कल जो है, आज जो है खरना है, जो हमारे घर के अंदर सब महिलाएं और पुरुष बच्चे सब मिल करके अपना मिट्टी के चूल्हे पर और केले के पत्ते के ऊपर अपना
प्रसादी खीर बनाएंगे, जो गुड़ से बनी हुई खीर बनता है, और अरवा चावल और सूखी रोटी और आम की लकड़ी से उस पे सारे को बना करके हमारे घर में आज प्रसाद वितरण करेंगे करीब 7 से 8 बजे तक। और कल शाम में 3 से 4 बजे तक करीब फतेह सागर पे अपना 15 से 20 हजार अपना श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और पूजन करेंगे, पानी में डुबकी लगा करके, और सूर्य भगवान के जब तक कि कल 4 बजे आ जाएंगे पानी में चले जाएंगे, जब तक सूर्य भगवान नहीं डूबेंगे तब तक लोग पानी में खड़ा रह करके उनकी प्रार्थना करेंगे। मैं ठाकुर सिंह जी छठ पूजा संयोग समारोह समिति के सचिव हैं। ये छठ पर्व जो है सो हमारे सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसको कि महापर्व के नाम से जाने जाते हैं। और हमारे उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं, नेपाल के तलाई क्षेत्र के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, उड़ीसा के कुछ लोग हैं जो कि ये छठ पर्व को मनाते हैं। उगते हुए सूर्य को तो हर कोई व्रत करते हैं, तो सूर्य को अर्घ लगाते हैं, लेकिन हम एक उत्तर भारतीय जितने भी हैं उन्होंने डूबते हुए सूर्य को धोर देते हैं। सूर्य को धोर देने का मतलब ये होता है कि शाम को जो सूर्य को धोर देते हैं, हम अर्घ देते हैं, जल से देते हैं, और वापस सुबह उगते हुए सूर्य को हम लोगों ने दूध से धोर अर्घ देते हैं। उन हम लोगों का मानना यह है कि छठ एक ऐसी त्यौहार है, व्रत है, जो कि 36 घंटे निर्जला रह करके महिलाएं पुरुष सब करते हैं, और जो भी मनोकामना हो, जो हमने मांगते हैं दिल से छठ मैया के नाम से, वो हमारी पूर्ण होते हैं। और ये हमारे बहुत बड़े आस्था है छठ पूजा को लेकर के, और बरसों से हमारी परंपराएं हैं जो हम लोगों ने मनाते हुए आ रहे हैं। उदयपुर वन्यजीव विभाग की ओर से पैदल टू जंगल कार्यक्रम का आयोजन 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसको लेकर लेक सिटी के साइकिलिस्टों में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल वन्यजीव विभाग की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन और 2 रात तक करीब 100 साइकिलिस्ट साइकिल पर सवार होकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाएंगे। लोगों में वन्यजीव और एडवेंचर टूरिज्म के प्रति बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्यजीव विभाग की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। पैदल टू जंगल की शुरुआत उदयपुर के बागदाड़ा नेचर पार्क से होगी, जो कि जयसमंद जाखम वन क्षेत्र से होती हुई चित्तौड़गढ़ के सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य पहुंचेगी, जहां पर इसका सभी साइकिल सवार करीब 200 किलोमीटर की साइकिलिंग कर जंगल सफारी का आनंद लेंगे। पैदल टू जंगल कार्यक्रम को लेकर देश के कई शहरों के लोगों में इसका काफी रेस्पॉन्स देखा जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपना आवेदन वन्यजीव विभाग को दिया है, लेकिन वन्यजीव विभाग द्वारा साइकिलिंग में विशेष योग्यता रखने वाले साइकिल स्टोर को ही इसमें स्थान दिया जा रहा है। CCF राहुल भटनागर ने साफ किया कि इस कार्यक्रम को लेकर वन्यजीव विभाग की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब तक करीब 70 साइकिलिस्टों को फाइनल कर दिया गया है, बाकी बचे 30 साइकिल सवारों के नाम को भी आने वाले 2-5 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वन्यजीव विभाग की ओर से प्रति साइकिल सवार के लिए 9,000 की एंट्री रखी हुई है, जिसमें उसका रहना खाना सभी सुविधाएं शामिल है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। ये वन्यजीव प्रभाग उदयपुर द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पैडल टू जंगल एक साइकिल एक्सपीडिशन है, जो कि करीब 200 किलोमीटर का होगा और जो करीब 3 दिन और 2 रात का रहेगा। इसमें जो अच्छे साइकिल सवार हैं, जो कि कर सकते हैं, जिस साइकिल में जो इंटरेस्ट रखते हैं और नेचर में भी जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इसमें लिया जा रहा है। और वो जो हमारे साउथ राजस्थान के जो सेंचुरीज हैं, जंगल्स हैं, और जो काफी अभी प्रोमिनेंस में नहीं है, उस क्षेत्र में हम ये साइकिल सफारी कर रहे हैं। और जो क्षेत्र इसमें प्रमुख हैं वो हैं बागदरा नेचर पार्क, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण। तो इन साइकिल एक्सपीडिशन में लोग इन जंगलों से, इन अभ्यारण से रूबरू हो सकेंगे, साथ ही एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का भी इसमें लोगों को भान होगा, और रोमांस तो अपने आप में एक इसका पहलू है ही। तो ये जो एक्सपीडिशन है, ये 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 3 दिन का है, और उदयपुर से
प्रारंभ होके उदयपुर में बागदा नेचर पार्क से प्रारंभ होके और जैसमंद और जखम होते हुए और दमदमा गेट है जो सीता माता सेंचुरी का, वहां इसका समापन होगा। और क्या चीज इसमें इस बार हमारा टारगेट जो ग्रुप है वो 100 जनों का है। आवेदन तो काफी आ रहे हैं लेकिन हम सिर्फ 100 जने जो कि साइकिल में जिनके कुछ मापदंड जिन्होंने कुछ अपनी योग्यता हासिल करी है उन्हीं को हम इसमें लेंगे। और इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम विभाग इसकी व्यवस्था कर रहा है और इसमें हमारे जो EDC मेंबर्स हैं, हमारी इको डेवलपमेंट कमिटीज हैं, वो इसमें एक सक्रिय भागीदारी प्ले करेंगे। और साथ ही एक साइकिल के संबंध में जो एक लीड टूर डी इंडिया है जो कि साइकिलिंग में काफी एक्सपर्टाइज रखते हैं वो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं। और मेरे साथी जो उदयपुर डिवीजन और चित्तौड़गढ़ वाइल्ड लाइफ डिवीजन, इनका स्टाफ, इनकी DFOs और हमारे मजबूर साहब और हमारे प्रताप सिंह जी जो रिटायर्ड DFO हैं, आप बड़ी सक्रिय भूमिका उठा कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जो आए वो उनको एक नई चीज देखने को मिलेगी। एंट्री से सारी ऑनलाइन है और बाकायदा इसका फेसबुक पेज है पैडल टू जंगल के नाम से और उसको उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसके थ्रू। इसमें चार्जेस हैं 9000 रुपए हैं प्रति पर्सन। इसमें खाना पीना रहना साइकिल सब कुछ शामिल है और जो साइकिल अपनी खुद की लाएगा उसको 1000 रुपए की रियायत है। अभी तक 70 जनों की एंट्री आ चुकी है और मेरा खाली ये आप लोगों से ये है कि उदयपुर में साइकिलिंग का काफी क्रेज बढ़ रहा है लेकिन अभी उदयपुर से सिर्फ 4 जनों का एंट्री आई है। हम चाहते हैं कि उदयपुर वासी इसमें और भाग लें और अच्छा रुचि लें और बाकी जगह काफी बॉम्बे बेंगलोर मैंगलोर इंदौर काफी सारी एंट्रीज आई हैं बाहर से। तो उदयपुर वासियों से मेरा यह है कि वो जरूर इसमें भाग लें। हाँ, इस साइकिल रैली में जंगल के साथ साथ सेंचुरी के साथ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और हैं जैसे जगत का जो टेम्पल है कोराबड़ के पास उसको शामिल किया गया है। वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा जैसमंद पाल अपने आप में है और रूठी रानी का महल है हवा महल है और फिर वेस्ट जोन कल्चर सेंटर भी इसमें अपना एक योगदान दे रहा है फोक प्रोग्राम वो दे रहा है तो लोगों को राजस्थान उदय मेवाड़ संस्कृति से काफी रूबरू होने का मौका मिलेगा। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा का कुलदीप बना बागी, धर्म के मोह के चलते संकट में फंसी पार्टी, मावली में त्रिकोणीय मुकाबला तय। टिकट वितरण के साथ ही मेवाड़ में उभरे विरोध के स्वर, खेरवाड़ा सागवाड़ा और बड़ी सादड़ी से भी हो सकती है भाजपा में बगावत। पिछली बार हाईकमान द्वारा रथ से उतारे गए कटारिया ने फिर थामी मेवाड़ में भाजपा के रथ की कमान, 28 सीटों पर उम्मीदवारों का करेंगे प्रचार। और भरे गले से दलपत सुराणा ने शुरू किया प्रचार प्रसार, कटारिया को बताया गौण, गिरजा से सीधी टक्कर की कही बात। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।